नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज, मैं हूं रोशनी सिंह। आज से गुजरात राज्य में आतंकवाद और संगठित अपराध निरोधक कानून लागू हो गए हैं, जिसके तहत पुलिस या सरकार किसी भी व्यक्ति के फोन कॉल्स या मैसेजेस पर निगरानी रख पाएगी। गुजरात में आज से यानी कि 1 दिसंबर से गुजरात संगठित अपराध एवं आतंकवाद नियंत्रण विधेयक को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। यह कानून महाराष्ट्र के मकोका के तर्ज पर बनाया गया है। महाराष्ट्र में मकोका के कानून के बाद गुजरात आतंकवाद निरोधक कानून वाला दूसरा राज्य बन गया है। इस कानून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 नवंबर को मंजूरी दे दी थी, जबकि इससे पहले देश के 3 पूर्व राष्ट्रपतियों ने इस कानून में कोई ना कोई तकनीकी खामी बताकर इसे लौटा दिया था। इस विधेयक को पहली बार 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गुजरात विधानसभा में पारित किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति ने कुछ खामियां बताकर इसे वापस लौटा दिया था, जिसके तहत विशेष अदालत का भी गठन हो चुका है और लोक अभियोजक की भी नियुक्ति हो चुकी है। इस कानून के तहत पुलिस अब किसी भी व्यक्ति के फोन कॉल और मैसेज पे निगरानी रख सकती है और आईटी के एक्ट के तहत आते नियंत्रण इस कानून पे लागू नहीं होंगे। गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने कुछ दिनों पहले ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी थी। गुजरात की शांति सलामती सुरक्षा बनाए रखने के लिए आतंकवादी और ऐसे कोई भी कृत्य में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री जब इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब नरेंद्र भाई मोदी के जरिए गुजरात विधानसभा में 3 दफे ये कानून पारित किया गया था और 1 दिसंबर से गुजरात की शांति के लिए इसका अमलीकरण शुरू करने वाली। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।